हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। ये सिग्नल एंड सिस्टम की थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस। फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसका मतलब क्या होता है? फोर ईयर सीरीज का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है आपका सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में। और हम ये भी कह सकते हैं कि फोर ईयर सीरीज को हम पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। आगे चल के हम इसमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे जो कि अपीरियोडिक सिग्नल में यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर ईयर सीरीज इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिग्नल from time domain to frequency domain। मतलब किसी भी सिग्नल को अगर हमें टाइम डोमेन से कन्वर्ट करना हो फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो फोरियर सीरीज भी एक वे है। दूसरा, ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन पीरियोडिक सिग्नल। जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको हम यूज करते हैं अपीरियोडिक सिग्नल में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। दोनों ही, फोरियर सीरीज भी और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी, सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फोरियर सीरीज जो है वो हम पीरियोडिक सिग्नल में यूज करते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम अपीरियोडिक सिग्नल में यूज करते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है एग्जाम में। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज। तो अगर हमें फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहां पे देयर आर स्टैंडर्ड सिग्नल्स, देयर आर स्टैंडर्ड सिग्नल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं फोरियर सीरीज की तो जाहिर सी बात है पीरियोडिक सिग्नल्स की ही बात होने वाली है यहां पर, जिसमें एक्स ओमेगा सिग्नल है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर स्टैंडर्ड सिग्नल्स टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक सिग्नल्स, टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक सिग्नल्स। अब यहां पे दैट इज, वी कैन से दैट XT इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी भी हम कह सकते हैं। यू कैन टेक एनी वैल्यू, आइदर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, यू कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये हो गया आपका XT, ये आपकी इक्वेशन है जहां पर ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, XT इज इक्वल टू ए जे ओमेगा नॉट टी बाय दिस सिग्नल, वी कैन से दैट और वी कैन रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज। यहां पे हमने एक स्टैंडर्ड सिग्नल का यूज किया है जिसे हमने पीरियोडिक सिग्नल के टर्म में यूज किया है, दैट इज XT इक्वल टू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। और वी कैन राइट ऑल्सो XT इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट टी, जहां पे ओमेगा नॉट जो है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है जिसे हम 2 पाई अपॉन टी लिखते हैं, वेयर ओमेगा नॉट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, जहां पे टी है हमारा फंडामेंटल
पीरियड और टाइम पीरियड। और अगर हम फोरियर सीरीज इक्वेशन देखें यहां से, सो वी कैन से दैट फोरियर सीरीज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का, ये यहां पे ये बताया कि फोरियर सीरीज ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए एन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन टी, जहां पे जो एक्स टी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग समेशन। और इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर रफ कर देती हूँ, एक बार और देख लेते हैं इतने पार्ट को। यहाँ हमने ये बताया कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन एंड ऑल्सो इट इज यूज ओनली इन पीरियोडिक सिग्नल, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम अपीरियोडिक सिग्नल में यूज करते हैं। और ये जो अभी हम डेरिवेशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड सिग्नल लिया है, जो कि जाहिर सी बात है अगर हम फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड सिग्नल भी हम पीरियोडिक सिग्नल की टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमने एक्स टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी लिया। और अगर हम ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमने लिखा, और अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट टी। बाय दिस सिग्नल वी कैन रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज। और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो ओमेगा नॉट है ये आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है, जिसको हम 2π/T बोलते हैं, और जो ये टी है, टी होता है हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हमने एक्स टी लिया है, जहाँ पे एक्स टी जो है वो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज हैं, तो हम वी कैन से दैट फोरियर सीरीज ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन ई जे ओमेगा नॉट एन टी। ये आपकी फोरियर सीरीज की इक्वेशन आ गई है। इसको हम इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है उसे रफ कर देते हैं, इसको जिसमें हमने नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट, पूरा डेरिवेशन उसी के ऊपर है कि कैसे हम फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि द नेगेटिव कोफिशियंट एज वेल एज पॉजिटिव कोफिशियंट, क्योंकि फोरियर सीरीज में समेशन है तो नेगेटिव कोफिशियंट भी है और पॉजिटिव कोफिशियंट भी है, द नेगेटिव कोफिशियंट एज वेल एज पॉजिटिव कोफिशियंट यहां हमने लिया है, जिसके लिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, और वो इक्वेशन है हमारी प्लस ए ऑफ माइनस थ्री ई माइनस जे थ्री ओमेगा नॉट टी प्लस ए माइनस टू ई माइनस जे टू ओमेगा नॉट टी प्लस ए माइनस वन ई माइनस जे वन ओमेगा नॉट टी प्लस ए जीरो देन ये प्लस ए वन, इसी तरीके से ये पूरा आता चला जाएगा ई जे ओमेगा नॉट टी प्लस ए टू ई जे ओमेगा नॉट टी जे टू ओमेगा नॉट टी प्लस ए थ्री ई जे थ्री ओमेगा नॉट टी प्लस अप टू सो ऑन, इसे भी रफ कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन शो किया है, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल। सो अगेन हम कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज इज यूज्ड फॉर पीरियोडिक सिग्नल। जब हमने इस इक्वेशन को ओपन करके हमने ये कहा कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, यानी कि यह नेगेटिव कोफिशियंट भी है और पॉजिटिव कोफिशियंट भी है, तो इक्वेशन आ गई हमारी इनफाइनाइट से चलती आ रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट से। तो हमने कुछ टर्म्स ले लिए, प्लस ए माइनस थ्री ई माइनस जे थ्री ओमेगा नॉट टी प्लस ए माइनस टू ई माइनस जे टू ओमेगा नॉट टी प्लस ए माइनस वन ई माइनस जे
वन ओमेगा नॉट टी, इसे वन रहने दीजिए, यहाँ अंडरस्टूड है, प्लस ए जीरो, देन अब पॉजिटिव साइड आ गई, ए वन ई जे ओमेगा नॉट टी प्लस ए टू ई जे टू ओमेगा नॉट टी प्लस ए थ्री ई जे थ्री ओमेगा नॉट टी प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. सो वी कैन से दैट फोरियर सीरीज इज यूज फॉर पीरियोडिक सिग्नल. तो ये पूरा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन था इसके अंदर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्स्टेंट को कैसे फाइंड करा है, यानी कि जो ए एन है. सो इसमें यहाँ पे फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के डेरिवेशन में सिर्फ इतना ही था, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इतना ही बताना है. और बस इसमें इतना याद रखना है कि जो फोरियर सीरीज है वो आपका टाइम डोमेन को, फोरियर किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, और दूसरा इसे हम पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस ए एन कॉन्स्टेंट. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. तो फिर आगे की क्लास में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें. और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.